हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी मोहतरम जनाब, आप फुरकान बात कर रहे हो? जी बताइए। जी मैं सैयद अशरफ अशरफ जिलानी रजा हनफी फाजरे पलरवी। ठीक है, मैंने अपना नाम अपना आपको बता दिया और आपको मैंने पहले बताया तो मैंने जो बोला इसमें आपका नाम कहाँ है ये तो पूरी फेहरिस आपने बता दी। इसमें कोई शॉर्ट फॉर्म आपका नाम है? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आप बोल बोल मत करो ज्यादा। देखो सैयद मेरा नाम सैयद मेरी जात है, अशरफ मेरा नाम है और अशरफ नाम है ना, बट ठीक है चलिए बाकी चीजें बताइए। पहले ये मुझे सवाल पूछना था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र अनवर में जिंदा है या मुर्दा है? जिंदा है। जिंदा है तो तेरा वो जर्जिश मलक का नहीं बोलता है जिसने ये कहा थे हुजूर जिंदा है वो माजल्ला उसने हुजूर पर झूठ मारा? भाई जिसने कहा उससे पूछो ना, कोई ठेकेदार किसी थोड़ी ना है। नहीं वो तो तुम्हारी जमात से बहुत बड़े उल्लू है ना, तुमको उनको अपना आदि में चीन मुजद्दिद मानते हो ना उनको। देखिए अशरफ साहब मेरे प्यारे भाई, कभी भी किसी से भी बात अगर आप करते हैं तो इल्म की रोशनी में बात किया कीजिए। देखो मैं ना कुरान शरीफ ना मैं कुरान शरीफ या हदीस शरीफ के नाम में बात जाऊंगा ना तुम्हें जाने दूंगा। कुरान के आगे आपने भाई इसको लगा दिया शरीफ, ठीक, और मैं भाई हदीस का आगे आपने इस्तेमाल कर लिया शरीफ, लेकिन अब खुद तो शरीफ बनिए। तो फिलहाल तो ये क्या होता है, बलात्कारी ने कहा और कातिल ने कहा और झूठे ने कहा? ये बताओ तो हमने कुरान शरीफ कहा था कि हमने कुरान शरीफ पर कुछ झूठ बाधा या हदीस शरीफ पर हमने झूठ बाधा? तो शरीफ शरीफ आप कह रहे हैं तो आप खुद भी तो शरीफ बनिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपने उल्टा कहा। अशरफ साहब मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट आप बोल दीजिए, जो आपका पूरा सवाल सुन तो दीजिए पहले। आप मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आपके आलिम दिन आपकी जमात इससे बड़े आलिम जो कह रहे हैं, मेरे भाई मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिए फिर आप आराम से बोलिए, मैं फोन काटना नहीं करना, ठीक। मैं ये कह रहा हूँ मालूम क्या जा रहा है, कौन भागता है वरना कौन भगाता है? अल्लाह के बंदे ठीक है मेरे भाई, चलिए आप बहुत बड़े अल्लामा हैं और मैं आपको देख के भाग जाता हूँ खुश। खुदान तेरे बादशाह में बहुत कमजोर इल्म वालों के मुनाजर कर लिया, कभी गुलाम से पारे के पास जाओ। हाँ भाई क्या करे, नहीं बहुत तुमने बिचारे कमजोर इल्म वालों को फौरन माल मल कर बहुत हैरान परेशान करा है, तभी ये गुलाम अशरफ के सामने भी तुम्हारी बात हो जाए। अच्छा मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने अभी तक कम इल्म वालों से बात की है, अब मैं आपसे बात करके दिखाऊं, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ यही बोलना चाहता हूँ। चलो ये बताइए, यानी कि जो मैंने सूफी कलीम से बात की, फारूक खान लैपटॉप बाबा से बात की, वो आपके नजदीक का क्या जानता हूँ? आपके नजदीक भाई वो लोग जाहिल है कम इल्म है, चलिए कोई बात नहीं, अलहमदुल्ला आप इससे बड़े अल्लामा है, चलिए आपसी से बात कर लेते हैं। चल बिदत पे आता, बिदत बिदत की तारीफ किया है इसको, तो इसका जाम नहीं जानता हूँ, बिदत की तारीफ किया है? देखिए अशरफ साहब आप माशाल्लाह इतने अच्छे अल्लामा है, ठीक, तो पहले उसूल तय कर लीजिए, बोला ही नहीं तो टॉपिक बता दीजिए। चलो चलो एक मिनट आप बोलेंगे एक मिनट हम बोलेंगे, हाँ ठीक है। अगर उसूल से बात करना है तो बात कीजिए भाई, बनना टाटा भाई कोई बात नहीं, बिदत की तारीफ किया है। तो आपके उसूल क्या है? उसूल आपके क्या तो है? तो सवाल पे जवाब होता है, फिर मैं दूसरा सवाल करूँगा। अच्छा मतलब कुल मिला के आप खाली हमसे सवाल पे सवाल करते जाएंगे और मैं उसका जवाब पे जवाब भाई मैं आपको देता हूँ? हाँ, तो अब आप तो बहुत बड़े मुनाजिर हो ना। तो अभी तो आपने कहा ना कि भाई इल्म वालों से तुमने सवाल करके बहुत उनको परेशान कर दिया। मैंने बेइल्म वाला बोला, मैंने बेइल्म वाला बोला, अपने अल्फाज थोड़ा सुधार लो, मैंने बेइल्म वाला तुमने बहुत बात किया। तभी तो अभी तो आप कह रहे थे फारूक खान लैपटॉप बाबा भाई वो इल्म वाले क्या? तो तुम्हारी जमात से मेरा चिरब्बा नहीं हो जातिल आए तो वो जजिश वाला तेरे इतने बड़े बड़े आलिम मर रही है, क्या जब तुम्हारी जमात वाले वो उनको नहीं पड़ी तो तुम क्यों अपनी जमात का ठेका लेते बैठे हुए वो? क्योंकि हम ठेकेदार है ना। हाँ तो फिर तेरे आलिम में तो कुछ पड़े ही नहीं है तेरे जमात के।
तो हम ठेकेदार हैं, तभी तो आप सब लोग मेरे भाई हमारे पीछे नहा धो के पड़े हुए हो। तो फिर तुमने अपने आलिम को आलिम क्यों बनाया? तो तुमने अपने आलिम को तो अपना आलिम क्यों बनाया? तो दो आलिम थोड़ी ना बनाया, अल्लाह ने हमारे आलिम को आलिम बनाया। हम कौन होते आलिम बनाने वाले, पागल आगल हो क्या? दोबारा बोलो। अरे हमने अपने आलिमों को आलिम भाई नहीं बनाया, अल्लाह सुबहान व तआला ने अपनी रहमत से हमारे आलिमों को आलिम बनाया। मैं आपसे कह रहा था पहले अपना उसूल तय कर लो, क्योंकि आप सवाल पे सवाल दागते जाओगे, क्योंकि आपके पास कोई ऐसी बंदूक है जिसमें से कटाकर सवाल पे सवाल मेरे भाई बौछार होती रहती है। मैं बिदत पे ही आता हूँ डायरेक्ट। तो अभी तो आप नबी के ऊपर थे कि वो जिंदा है कि नहीं कब्र में? मुझे सुनो, मुझे कुछ भी नहीं पूछना, मुझे इतना है पूछना है बिदत की तारीफ क्या है। पक्का फाइनल? कोई वो नहीं, ऑपरेशन कोई डीजे तो नहीं, बोलिए बिदत की तारीफ क्या है। चलिए भाई ठीक है, अब मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आप जो जो और मतलब जितना जितना सवाल पूछेंगे मैं सिर्फ वो उतना उतना आपको जवाब दूंगा। तो आपने सवाल पूछा था पहला कि अल्लाह के नबी वो अपनी कब्र में जिंदा है या मुर्दा, तो अल्लाह के नबी अपने कब्र में जिंदा है और कब्र एक बरजख है, वो बरजख में जिंदा है लेकिन कैसे जिंदा है हमको नहीं पता। अब आपका दूसरा सवाल ये है कि जो तारीफ होती है बिदअत की वो क्या है? तो बिदअत की जो तारीफ होती है इस्तलाही यानी कि दीन इस्लाम में जो इसकी तारीफ होती है वो ये है कि दीन में हर वो नया काम जिसकी असल और बुनियाद मौजूद ना हो, उस काम को अगर आज के दौर में लोग सवाब समझ के करें तो वो काम बिदअत है। हो गया आपका। अभी मैं बोलूँ एक बात बताइए मुझे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान की धरती पे कब आते हिंदी में खुतबा दिया ये बताओ जाए? तो आपने जो अभी इबारत हिंदी में पढ़ी ना कि हमारे नबी ने कब हिंदुस्तान की धरती पे आकर खुतबा दिया ये बताओ जाए आप हमें, ये हदीस शरीफ फरमाई ना। हो गया सवाल भाई जी? हो गया बिल्कुल हो गया। देखिए अल्लाह के नबी ने जो फरमाया वो अरबी में फरमाया फा इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन जो बात। अरबी में पढ़िए ना, अरबी में पढ़िए, हिंदी में क्यों पढ़ते हो आप, अरबी में पढ़िए ना भाई। आपके अकल से पैदल है क्या? मैं जानता था कि आप खाली सवाल पे सवाल करते जाओगे जवाब देने नहीं दोगे। भकत लाए जो तो बिदत की तारीफ याद नहीं आपकी तारीफ में, बिदत की तारीफ थी, बिदत की तारीफ बताया, अब दलील दे रहे हैं तो उसमें भी तुमको की सवाल करना है। बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान में आदत कब खुतबा दिया हिंदी में? भाई हिंदुस्तान नहीं होता है, हिंदुस्तान होता है, इंडिया होता है, ठीक है? तो हमारे नबी अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया हमने सारे जहां के लिए अल्लाह के नबी को रहमतुल आलमीन बना के भेजा, अल्लाह के नबी तमाम जहां के लिए रहमत थे। हाँ तो नहीं आए थे वो सारे जहाँ के लिए आए थे, तुमको मानते ही नहीं ये मेरे नबी। आप बोल लो मेरे भाई, ठीक है आप ही बोल लो भाई, आप ही बोल। तू बिदत पे आ, तू बिदत पे आ, भाग मत, तू बिदत वाले, बिदत की तारीफ कर। क्या हुआ फुतान, बिदत की तारीफ याद नहीं है फुतान? भाई आप बोल लो आराम से, क्योंकि जैसे मैं बोलूंगा फिर आप जवाब दो, फिर आप सवाल कर देना। अल्लाह के नबी जब मेरे भाई खुतबा देते थे तो उसमें अल्लाह के नबी ने बिदत क्या है वो भी साफ साफ उम्मत को बता दिया। जो खुतबा था वो ये था फ़ाइन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन जो बात है वो अल्लाह की जो भाई किताब है उसकी बात है। अल्लाह की किताब तो बेहतरीन है, बेशक है, कोई शक नहीं है। नरमदर आपने जो बोला नहीं पढ़ने दोगे ना, तो मैं तुम्हारी भाषा में समझा देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। सबसे जो बेहतरीन बात है वो अल्लाह की किताब की बात है, सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो अल्लाह के नबी का तरीका है, सबसे बेहतरीन जो काम है वो है दीन में नई नई चीजों का इजाद करना और हर नई इजाद कर वो बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है। रसूलुल्लाह ने तो तभी हिंदुस्तान की धरती पे खुतबा दिया ही नहीं है, अरबी में इबारत पढ़ू तो मेरे भाई रसूल अल्लाह ने कभी भी कुंडे को नहीं मनाया है, ग्यारहवीं को नहीं मनाया है, क्योंकि ये भी मेरे भाई क्योंकि ये भी अरबी में किसी हदीस में नहीं आया है। अल्लाह की कसम उठा के बोलता हूँ, अल्लाह की कसम उठा के बोलता हूँ, तू बिदअत की तारीफ का देना
तो बिदअत की सही लफ्जों में तारीफ कर दे, बिदअत की तारीफ बता तो दी। अब तुम कह रहे हो अरबी पढ़ो, फारसी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, चाइना पढ़ो, तुम्हारे नहीं, अब क्या तुम्हारे मुकालिद बन जाए हम? सुन के रवि, जब तुम्हें बिदअत की तारीफ याद नहीं है, तुम हमारे बड़े बड़े आलिमों को फौरन मार मारते हैरान परेशान करता है तू, यही के लिए होता थे बिदअत की तारीफ को याद कर ले, फिर हमारे आलिमों तक बिदअत की तारीफ बता तो दी। तुम्हारे अल्लामा मेरे भाई आज तक तारीफ कर नहीं कर पाए, और तुम झोला छाप आके कह रहे हो कि ये तारीफ नहीं सही है। बाबू भाग मत फिरार, अगर ये तारीफ गलत है तो सही तारीफ क्या है जरा बता दो भैया। तो आप अल्लामा हो ना, सिखा दो थोड़ा हमको। आपने दूसरी बात ये वाली मुझ पे झूठ बाजी, तो मैं अल्लामा। अरे यार भैया, आप अल्लामा है, आपसे बड़ा कोई मुनाजिर नहीं है। आपने भी कहा, मैंने तो अपने बहुत इल्मों से बात कर ली, अब इल्म वाले से बात कर लो तो आप इल्म वाले हैं। चलिए बिदअत की तारीफ हमको बता दीजिए आप ही भाई। बिदअत की तारीफ करेगा ये? मैं फोन था तो ये धूप में कह रहा हूँ इतनी जाहिर मुकद मेरे बड़े बड़े आलिमों तो फोन मारता है बिदअत की तारीफ याद नहीं अल्दी लफ्जों में, और अपने आप बहुत बड़ा वो मैं तारी मुफ्ती तू। अबे अरबी क्या होती है तुम्हारी जमात में? तुम्हारे वहाँ जो कुंडे की नियाज करते हो उसको अरबी में क्या कहते हैं बताओ? हदीस से ताल्लुक करो। तुम्हारे वहाँ जो बिल्ली शरीफ की नियाज होती है उसको अरबी में क्या कहते हैं? उसको अरबी का अमल नहीं है, अरबी से लापता हो और दूसरों का अरबी का मुगालता देते हो। हदीस को लिख क्यों कहते हैं, बाबा क्यों कहते हैं बताओ जरा? अरे हम सुन रहे हैं, आप तो मेरी सुनो, बहुत देर से तुमको छूट दे दी, अब जल्दी बताओ अरबी को लिख क्यों कहते हैं, बाप को बात क्यों कहते हैं? कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं और ये कौन सी हदीस से साबित है? ग्यारहवीं को अरबी में क्या कहते हैं, ये कौन सी हदीस से साबित है? कुछ भी करेंगे, तेरे बाप का कुछ जाने वाला है या तेरे बाप का वाशम पहुंचाने के कराते? जहाँ तुम पे पैर पड़ता है वहाँ पर कलामी शुरू कर देते हो। हम हुसैन वाले यजीद वाले नहीं, हम हुसैन वाले हैं। अभी फोन तक तेरी धूप में जाते भी डाल सकती। अबे भाई तू जाके पहले इल्म हासिल कर, ठीक है? मालूम चल जा, मालूम चल जा, धूप में जाते भी। इतना लंबा नाम रखते हो, नाम भी आदमी साला पता नहीं क्या, आधार कार्ड भी क्या, सही लंबा नाम है क्या?